बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो रहा है कि आपके किस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर आएंगे, और अगर लॉन्ग आंसर आएंगे तो कौन कौन सा मेन होगा। अगर लॉन्ग आंसर के चैप्टर भी हमें पता है तो उसमें से कौन कौन सा मेन लॉन्ग आंसर होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट में मैसेज किया कि कमेंट में बोला कि आपके कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग आंसर आ सकती है और मेन लॉन्ग आंसर क्या है। तो हर एक को रिप्लाई देने से बेहतर मैंने समझा कि एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पेपर पैटर्न हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है, साइंस का पेपर पैटर्न हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और सिर्फ साइंस का ही नहीं, इंग्लिश का, हिंदी का, एसएसटी का और मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न भी हमने समझ लिए, उन सारी वीडियोज का लिंक मैं आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर पैटर्न, और पेपर पैटर्न का क्या मतलब होता है? पेपर पैटर्न का मतलब होता है आपका पेपर डिजाइन किस तरह से किया गया है। जब हमने पेपर पैटर्न पढ़ा तो हमने देखा सेक्शन डी में हमें क्या आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे। और हर एक स्टूडेंट डरता है किससे? लॉन्ग आंसर से। हर एक स्टूडेंट लॉन्ग आंसर से डरता है। अब उस लॉन्ग आंसर के डर को थोड़ा सा अगर कम हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो देखो, आपने जब पेपर पैटर्न पढ़ा तो तीन कैटेगरी है आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जो फिजिक्स है वो आपको आएगी 26 मार्क्स की, केमिस्ट्री आएगी 26 की और बायो आएगी 28 की। टोटल आपको पेपर आएगा 80 मार्क्स का। अब जो फिजिक्स है, सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स की, तो यहाँ पे जो चैप्टर है लॉन्ग आंसर के वो आता है फर्स्ट चैप्टर लाइट। फर्स्ट चैप्टर आता है लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसके लिए? लॉन्ग आंसर के लिए। सबसे पहले ये समझो कि लॉन्ग आंसर आएंगे किस तरह से। तो देखो, दो लॉन्ग आंसर आपको आएंगे फिजिक्स के, दो आएंगे केमिस्ट्री से और दो आएंगे बायो से। करना एक एक है और हर एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स में आपका होगा। अब एक एक किस तरह से करना है? देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और यहाँ आया एक फिजिक्स का लॉन्ग आंसर, उसके और में फिजिक्स का ही लॉन्ग आंसर आएगा। अब दोनों में से जो आपको आता है वो कर दो, क्या दिक्कत है। उसी तरह से क्वेश्चन होगा, एक लॉन्ग आंसर होगा केमिस्ट्री से, उसके और में दूसरा लॉन्ग आंसर भी होगा केमिस्ट्री से, जो आपको आता है वो कर दो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर होगा बायो से, उसके और में लॉन्ग आंसर होगा बायो से, जो आपको आता है वो कर लो। लेकिन अब क्या क्या चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो देखो, अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो जो चैप्टर है लाइट, चैप्टर एंड लाइट, उसमें से आपको लॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि फिजिक्स में जो चैप्टर की मार्किंग है 8 मार्क्स का चैप्टर है लाइट। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पे लॉन्ग आंसर आ सकती है, तो कॉपी पेन ले लो और साथ साथ में टॉपिक लिखते जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहला। दूसरा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा आता है मिरर्स, जिसमें आप स्फेरिकल मिरर पढ़ लो, कॉनकेव मिरर पढ़ लो, कॉनवेक्स मिरर पढ़ लो, इनके यूजेस और इनका आपस में डिफरेंस, ये सारी चीजें। फोर्थ आता है लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉनवेक्स लेंस, इनके यूजेस और इनका आपस में डिफरेंस, ये सारे चारों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इनमें से एक ना एक लॉन्ग आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आता है लॉन्ग आंसर का, वो आता है आपको इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्ड चैप्टर है आपका। ये इसमें बेसिकली क्वेश्चन मेन कौन सा होता है, इसमें बेसिकली मेन क्वेश्चन होता है ओम्स लॉ, कौन सा? ओम्स लॉ, जहां इसमें मेन होता है न्यूमेरिकल, इसमें से न्यूमेरिकल आपको पूछ सकते हैं। और थर्ड चैप्टर आपको जो लॉन्ग आंसर का है वो आता है लेसन नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इसमें बेसिकली इतना ज्यादा लॉन्ग आंसर पूछते नहीं है, लेकिन कई बार इस चैप्टर में से भी लॉन्ग आंसर पूछ लेते हैं। लेकिन अब ये दो आएंगे, ये किस तरह से आएंगे? देखो, ये दो कई बार क्या होता है,
पहले चैप्टर से ही दोनों होते हैं, कोई एक कर लो। कई बार होता है कि पहले और तीसरे चैप्टर में से होते हैं, कोई एक कर लो। कई बार होता है कि चौथे और तीसरे लेसन में से कोई होते हैं, यानी इन्हीं चैप्टर में से कोई दो लॉन्ग आंसर आएंगे, इन्हीं चैप्टर में से कोई दो लॉन्ग आंसर आपको आएंगे जिनमें से आपको एक करना है। फिजिक्स के बाद बात करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स के बाद बात करते हैं केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मेन चैप्टर जिसमें से लॉन्ग आंसर आपको 100% है, आएगा ही आएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। दूसरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर में से भी मैक्सिमम टाइम लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। और बेसिकली केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो आपका चैप्टर है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी में से दोनों लॉन्ग आंसर आते हैं, एक पहला भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से और दूसरा भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। लेकिन सिक्योरिटी के लिए आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लॉन्ग आंसर भी देख के जाना। उसके बाद थर्ड, उसके बाद हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके आगे टॉपिक लिख लो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का टॉपिक, न्यूट्रिशन और उसके टाइप। जब न्यूट्रिशन का टॉपिक हुआ तो उसमें सारा कुछ आ गया, न्यूट्रिशन के डिफाइन, उसके टाइप, उसके टाइप्स के बीच में आपस में डिफरेंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसके बाद दूसरा आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन एनिमल ह्यूमन बींग्स। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से वो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट ह्यूमन बींग्स एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब जो था इसके बाद जो अनदर चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग आंसर आ सकता है वो है आपका चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से लॉन्ग आंसर आ सकता है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पांच टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको लॉन्ग आंसर आएंगे अगर इस चैप्टर में से आया तो। अगर फर्स्ट चैप्टर में से आया तो न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और जो आपको बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हर दिन शाम को 4 बजे एक नॉलेजेबल कॉन्टेंट आएगा। और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही मत करना, बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि हर नए लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके क्योंकि जब तक आपके पेपर स्टार्ट नहीं होते हर दिन शाम को 4 बजे कुछ नॉलेजेबल वीडियो आएगी जो आपकी क्लास के रिलेटेड भी हो सकती है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू वेरी मच, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।